ये देखो भाई, ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। इस टाइम हमें अपने ट्रैक पे सिद्धड़ा हाईवे और साथ में आप देख रहे हो भाई सूरज मध्यम मध्यम सा निकला हुआ। आज अभी बजे 5:30, इस टाइम हम निकले हैं राइड पे। धूप निकलने का वेट कर रहे थे बिकॉज काफी दिनों से ना डल डल इमेज आ रही थी सभी गोप्रो की, तो हम भाई अपनी नेट्स नहीं मानती आप दोनों की बाइकों को। करो भाई कितनी दूर है अभी। एक बंदा करेगा मेरे से पास लेकिन मैं उसको पहले रुका दूंगा। तो ट्रैफिक है, आई डोंट वांट कि वो हिट करे। भाई मैं जीत गया, मैं जीत गया भाई। इसको बोलते हैं बाइक। ओ मैन आगे देख, कर आगे देख मैन आगे। इतनी फॉग है कि मेरे को ये सिदड़े वाला पुल तक भी नहीं दिख रहा है भाई। रेस तो मैं जीत चुका हूँ, अभी आपको आगे का वेदर दिखाता हूँ। ये जो माउंटेन दिखते थे नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि अभी तूफान आने वाला है, इतना गंदा मौसम हुआ पड़ा इधर। सो गाइस इस टाइम हमने ब्रेक लगाई है तभी वाले पुल पे और यहाँ पे वेदर चेक करो मैन, इतना फॉगी वेदर। और पहली बार जब से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ इतनी ज्यादा धुंध देखी है। जो आप जगह देख रहे हो ना बिल्कुल टॉप में से, ये वाला एरिया बिल्कुल नहीं दिख रहा था, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा है, ये झूठ बोल रहा है, ठंड इतनी ज्यादा है क्या बताएं। बहुत ज्यादा ठंड, बहुत ज्यादा। हम ही तो ऑफ रोडिंग के लिए बोल रहे हैं, बच्चे जाने वाले हैं वहाँ पे ऑफ रोड करने के लिए। अभी देखते हैं कि पानी कहाँ तक पहुँचा हुआ है। पहले पानी का अंदाजा लगाने के लिए ऊपर आए थे, फिर वहाँ पे नीचे जाएंगे ऑफ रोड करने के लिए। इतना डर रहे हो, पक्का डर रहे हो? ये शक्ल है देखो इनकी, सोया हुआ। ओ हो भाई गाड़ी चेक कर, गाड़ी हाय हाय क्या बात है, क्या बात है। नजर नहीं, हम तो जिंदगी में बोझ है, नजारे ये लेने आए हैं। चलो मेरे को पहले बलि का बकरा बनाया। मेरे को लग रहा है कि काफी गंदा रास्ता है, तक जाती है भाई, जाने देते हैं फिर देखेंगे आगे की क्या करना वहाँ पे। ओए होए काफी ज्यादा स्लिप है और ऊपर से मेरी टायर की ग्रिप नहीं है तो और ज्यादा स्लिप हो रहा है। ओ भाई साहब अभी यहाँ से कैसे निकालनी है, गलत साइड आ गया मैं, उस साइड से चलो, उस साइड से। यहाँ पे ये रास्ता देख रहे हो भाई कितना खतरनाक है, मेरे टायर पूरे यहाँ पे स्लिप हो रहे हैं। फिर भी हम अगर ऑफ रोडिंग करने आए हैं तो गड़ी वाली ऑफ रोडिंग है आज, वो करके ही जाएंगे। आज रिस्क उठाया तो पूरा करेंगे ही करेंगे भाई, यहाँ तक तो पहुँचा दिया किसी ना किसी तरीके, आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या सीन है, पर क्या हुआ, रुको मैं देख के आता हूँ। अभी यहाँ पे पहले बाइकें लगा के आगे देखने के लिए जा रहा हूँ मैं, बाइक आ सकती है यहाँ पे ना नहीं आ सकती। यहाँ पे जो इसकी एंट्रेंस है दोनों साइड देखो, एक साइड में पानी है, एक साइड में इतना ज्यादा कीचड़ है। अभी यहाँ पे हम आ तो चुके हैं, फंस चुके हैं, ना इस साइड जा सकते हैं ना दूसरी साइड जा सकते हैं, और आगे तो कुछ है नहीं है। यहाँ पे हमारा हो चुका पोपट, यहाँ पे आना हुआ बेकार, इतनी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचाई थी, आगे कहीं पे रास्ता नहीं मिला। अभी यहाँ से हम फिर से वापस निकल रहे हैं मेन रोड की तरफ, गंदा कीचड़ है कि क्या ही बताऊँ। इतनी मुश्किल से यहाँ पे आप लोगों के लिए कंटेंट बनाने के लिए आया था लेकिन फिर भी नहीं बना पाया तो दुख लग रहा है, बट क्या करें भाई, अपनी कंडीशन भी देखनी है। कहीं पे गिर पड़ गया लग, फिर तो थोड़ा बहुत जो व्लॉगिंग होती है उससे भी जाऊंगा। अबे इसको महंगे नशे करवाने का टाइम आ चुका, अभी इसकी फ्यूलिंग करवाते हैं। ये चेक करो मैन क्या मस्त सीनिक व्यू है, आई डोंट नो कि इसमें रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ। पता है यहाँ पे किसी का बर्थडे मनाया जा रहा है। इस लोग मेरे को बोलते हैं कि हमारे पास कोई बाइक नहीं है, भाई कुछ है नहीं है हमारे पास, तो हम व्लॉगिंग कैसे करें। सैंपल आपके सामने चल रही बाइक के पास है स्कूटी एक्टिवा, और बाइक इस पे व्लॉगिंग करते हैं।
डेडिकेशन लेवल देखो बंदे का, बहुत है बैग के पीछे वो तो टैडी। अबे काफी ज्यादा जाम लगा पड़ा, पता नहीं आगे क्या सीन है, देखते हैं आगे जाके क्या हुआ पड़ा। आजकल कुछ ज्यादा सीन नहीं हो रहे हमारे सिदड़ा वाले साइड में, इधर से वो कह रहे हैं कि तुम जाओ, उधर से वो कह रहे हैं कि तुम जाओ। भाई कौन जाए, थोड़ी डिसाइड तो कर लो। इतने दिनों से मैं कुछ थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, सो प्लीज आप बजा। पता नहीं हेलमेट है या पत्थर है, पता नहीं कुछ है नीचे। ये देखो भाई ढक्कन जैसी शेप का वो लग रहा था, वो बिल्कुल गाड़ी के नीचे लग गया, जिसकी वजह से वो पूरा घसीटता हुआ गया भाई। मैं स्विफ्ट की इतनी ग्राउंड क्लियरेंस कम है, तभी हम बाइकों से प्यार करते हैं, जिस मर्दी चीज के ऊपर चढ़ा दो। दिनों से मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, थोड़ी सी घर में शादी वगैरह, सो जिसकी वजह से मैं नाइट ब्लॉग कर रहा हूँ। देखिए फंक्शन खत्म हो जाएंगे, चेंजिंग करूंगा अपनी ब्लॉगिंग में, मैं भी अपनी इंट्रो चेंज करें और बाकी चीजें। ओहो वाओ, मतलब बंदे ने रोड पे गाड़ी लगा के डोर ओपन कर दिया, ये सही लिखा भाई ने, फोर व्हील मूव दी बॉडी, टू व्हील मूव दी सोल। सही मैं बोल रहा था कि उसे चेंजिंग करेंगे अपनी इंट्रो वगैरह, सारी चीजें चेंज करेंगे, अभी नया साल आ गया तो चेंज करने का टाइम भी आ गया। इस टाइम हम पहुंच चुके हैं अपने घर के पास, अभी करते हैं इस व्लॉग को इधर ही खत्म। आई होप आपको बढ़िया लगा, सो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अभी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक दीजिए हमें इजाजत, बाय बाय, गुड नाइट।